आई जी, आज आपको बॉक्सेस टिक करवाते हैं, कॉर्नर कैटेगरी, अनऑर्थोडॉक्स लेआउट प्लान विद अ वेरी गुड फिनिशिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस, गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में हम लोग खड़े हुए हैं। हाय, दिस इज असद अली नो वॉचिंग अपना घर .pk। आज हमारे पास मौजूद है 9 मरला कॉर्नर कैटेगरी हाउस गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद में ऑन द मेन बुलेवर्ड। राइट साइड पे ज़रा व्यू दिखाएं, काफ़ी सारे घर हैं, मेन रोड है, 60 फीट वाइड सामने और 40 फीट वाइड राइट साइड पे। यहाँ भी दिखा दें, काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। प्लॉट कॉर्नर का है, मेन बुलेवर्ड का महंगा होता प्लॉट, लेकिन घर की प्राइस इकोनॉमिकल होगी। हमेशा मैं वीडियो में आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ, आज आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछूंगा, तो आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है और साथ साथ जो है वो कमेंट्स में मुझे जो मैं क्वेश्चन करूँ आप लोगों ने बताना है। कॉर्नर कैटेगरी हाउस है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के अंदर जो है वो घर आपको देखने को मिलेगा। वाइट, ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इन्होंने जो है वो इस घर में सिर्फ रखा है, कोई और लाल, पीले, नीले कलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक तो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, लेकिन इसको उन्होंने अभी तक डेवलप नहीं किया, घास वगैरह यहाँ पे नहीं आया। सेकेंडरी एंट्रेंस भी घर की आपको वहाँ से देखने को मिलेगी। कॉर्नर कैटेगरी के ये बेनिफिट होते हैं कि भाई सेकेंडरी एंट्रेंस होती है, ठीक है, लेकिन वेंटिलेशन होती है। फिर इसके साथ साथ आपको घर जो है वो काफ़ी लिटअप लगता है, स्पेशली सर्दियों में कॉर्नर कैटेगरी आपको काफ़ी बेनिफिट देता है। लेकिन डाउनग्रेड्स कॉर्नर कैटेगरी के आप लोगों को क्या लगते हैं वो आप लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में जो है वो बताना है। सो लाइक ऑलवेज यू विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। आप लोगों ने घर के लेआउट प्लान से, क्योंकि हमारे से काफ़ी लोगों ने लेआउट प्लान्स डिज़ाइन कराए हैं आर्किटेक्चरल टीम से हमारी, तो मैं ये ज़रा आई वाज वेरी सरप्राइज बाय दिस काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग। बेडरूम्स उठा के बिल्कुल पीछे फेंक दिए हैं, सॉरी सामने ले आए हैं, क्योंकि बेडरूम्स होते हैं बैक साइड पे, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आए हैं, और जो किचन वगैरह होता है वो बैक साइड पे चला गया। तो डिफरेंट काम है, मैं ये इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, नई चीज़ करना इज़ ऑलवेज यू नो मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। जो लोग चीज़ें इन्वेंट करते हैं वो नया काम करते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इवेंचुअली लोग फिर फॉलो करते हैं। गैलरी स्पेस 2 से 3, 2 गाड़ियों की एटलीस्ट पार्किंग स्पेस। घर के अंदर एंटर होते हैं, सॉलिड डोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब घर के अंदर एंटर होते ही आपका बेडरूम आ जाता है, सो दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, लेकिन यू कुड टेक दिस काइंड ऑफ सरप्राइज। दिस इज द बेडरूम नंबर 1। सीलिंग आपको लाहौर फैंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सॉलिड वुड के डोर्स हैं, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शील्ड। वॉशरूम्स आप ज़रा चेक कर लें, ठीक है, फिर यहाँ से आगे आ जाते हैं। सो एक तो हमने बेडरूम देख लिया एंटर होते ही, फिर उसके साथ हमारे पास ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में लेके जाएं जी, मैं आप यहाँ से लेके जाएं, मैं इस साइड से आता हूँ। सो ये आपका आ गया जी ड्राइंग रूम, ठीक है। अब इन्होंने काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग की है, क्राउन मोल्डिंग्स की हैं, इसके साथ वॉल पे काफ़ी सारा आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से बाल वगैरह जो है ना वो आज सत्यानाश हो, अराउंड अबाउट 50 डिग्री के करीब फील्स लाइक टच कर रहा है। दिस इज द टीवी लाउंज स्पेस एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम। तो अंदर एंटर होते ही आपको एक तो लेफ्ट साइड पे बेडरूम नजर आएंगे, दिस इज द सेकंड बेडरूम। अगेन आप देख लें, कॉर्नर होने की वजह से एक तो आपको सनलाइट काफ़ी अच्छी आएगी, सनसेट भी आप देख सकते हैं यहाँ से अपने बेड से बैठ के, ये चेक करें। फिर इसके साथ साथ यहाँ से आ जाएं, कबर्ड्स, वॉक इन क्लोजेट्स, वॉशरूम में आ जाते हैं जी। तो बेहतर क्वालिटी की, बल्कि इनफैक्ट आएगा स्पोर्टा की जो है वो यहाँ पे हमारे पास फिटिंग्स देखने को मिल रही हैं, कमोड, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे वैनिटी वगैरह थी, लॉक्स वगैरह मुझे ओके लग रहे हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद में हम लोग खड़े हुए हैं। दिस इज़ द मेन टीवी लाउंज स्पेस ऑफ द हाउस। इसके साथ ये एक छोटा सा हमारे पास जो है वो स्टोर रूम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ दिस इज़ द टीवी लाउंज स्पेस। अब टीवी लाउंज भी स्पेशियस है, ठीक है, मीडिया वॉल कुड हैव बीन बेटर देन दिस, लेकिन इट्स ऑल राइट। अगेन यहाँ से व्यू आपका बहुत आउटस्टैंडिंग है। फिर किचन देख लेते हैं, एक हमारे पास जो है वो बाहर वेट किचन है, फिर इसके बाद मेन किचन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक छोटा सा किचन है हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्लास डोर्स हमारे पास इसमें नज़र आ रहे हैं, वॉश बेसन। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो स्टोव, इलेक्ट्रिक हुड, ठीक है। किचन बाहर आ जाते हैं, तो दिस इज़ द सेकेंडरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस एज वेल। आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, इवन छोटी गाड़ी मेहरान ऑल्टो वगैरह भी पार्क हो सकती है, और आप अगर अपने बाइक वगैरह यहाँ पे पार्क करना चाहें और वन टिप क्रिकेट भी खेलना चाहें, जो कि मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, वो भी आप खेल सकते हैं। फिर यहाँ से आ जाते हैं जी, विल गो टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस।
दिस वॉज द ग्राउंड फ्लोर। तो आप लोगों ने लेआउट प्लान बताना जी, आर्किटेक्ट ने कैसा डिजाइन किया है, और मार्किंग भी कर दी है कि 10 में से इस लेआउट प्लान को आप लोग कितने नंबर देंगे। फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि घर के इधर आए, दैट वॉज द एंट्रेंस पॉइंट, मेन डोर, फिर इसके साथ दो बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, दिस इज द टीवी लाउंज स्पेस, दिस इज द किचन, स्टोर रूम, और दिस इज द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। सरप्राइजिंगली एक और शॉक नहीं कहेंगे, सरप्राइज मुझे जो लगा कि डबल हाइट इन्होंने दी है, लेकिन वो घर की बैक साइड भी दी है। लोग अमूमन सामने देते हैं, तो अगेन दिस इज द थिंग दैट दे हैव ब्रोकन द स्टीरियोटाइप एंड दे हैव यू नो गॉन फॉर द न्यू ट्रेंड के घर की बैक साइड पे इन्होंने डबल हाइट दी है। यहाँ से हम आते हैं जी घर के फर्स्ट फ्लोर पे। थ्री बेडरूम्स आपको देखने को मिलेंगे, किचनेट, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज और थ्री बेडरूम्स। तो पहले हम ये जगह देख लेते हैं, फिर हम किचनेट वगैरह में। दिस इज द मेन टीवी लाउंज, अगेन कॉर्नर की वजह से आपको जो है वो व्यू काफ़ी अच्छा है, राइट साइड पे पार्क भी इसके नज़र आ रहा है, और इसके साथ मैं आपको रूफ टॉप से दिखाऊंगा। वॉकिंग डिस्टेंस पे वाटर टैंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मस्जिद भी यहाँ से करीब है। सो पहले हम बेडरूम्स देख लेते हैं, राइट साइड पे बेडरूम नंबर वन, लेफ्ट साइड से बेडरूम नंबर टू। दिस इज द बेडरूम नंबर टू, यहाँ से बाहर आ जाते हैं, टेरेस है, ताज़ी हवा आ रही है, गर्मी का जोर थोड़ा सा टूटा है, शाम का टाइम है। आई डोंट नो कि आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि इट्स यू नो इट्स वे टू हॉट, इट्स बियॉन्ड यू नो मैं क्या कहूँ, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। एनीवेज यहाँ से आ जाते हैं, हमारे पास वॉक इन क्लोज़ेट, थ्री डोर कबर्ड, वॉशरूम देख लेते हैं, और मज़े की बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे ओपन टू स्काई एरिया भी जो है वो, ओपन टू स्काई खैर नहीं, ऊपर फ्रॉस्टेड ग्लास है, लेकिन मज़े का लग रहा है ये वॉशरूम। यहाँ से आ जाते हैं जी, फिर इसके साथ दिस इज़ द बेडरूम नंबर टू ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। जल्दी से ये दिखा दें, वॉशरूम भी अटैच दिखा दें साथ, बाहर छोटी सी एक टेरेस है, ठीक है, वॉशरूम का काम दिखा दें सारा। फिर यहाँ से हम चलेंगे और हम जो है वो टीवी लाउंज के अंदर आ चुके हैं वापस। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, ठीक है, और यहाँ से हम आ जाते हैं अगेन, फोर डोर कबर्ड आपको देखने को मिल रही है, बेडरूम व्यू यहाँ से बाहर का, फिर इसके साथ अटैच जो है वो वॉशरूम आपको देखने को मिल रहा है, वाटर ड्रॉप इन वैनिटी है, कमोड है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है, शॉवर, और ऊपर जो है वो आपको जो उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा था। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास ये कहते ड्राइंग रूम देखने को मिल रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी पर्सनल सेटिंग के लिए दी हैं, और फिर यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से छत पर जाने का रास्ता कौन सा है, सो दिस इज़ द वे टूवर्ड द रूफ टॉप, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर प्रॉबेबली होगा, और ये स्पिरल शेप में जो है वो स्टेयर के साथ को देख लेंगे। पहले किचन तो दिखा दें, किचन देख लें, हमारे पास हुड, इसके साथ स्टोव, वॉश बेसिन, मिक्सर, काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, लेकिन किचन कुड हैव बीन बिगर देन दिस, दिस इज़ यू नो नॉर्मल घर के लिए थोड़ा सा छोटा मुझे लगा है। यहाँ से हम जाते हैं जी ऊपर, और वीडियो कट नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा हाइट फोबिया, मुझे हेजिटेंट हूँ, लेकिन स्टिल वी विल गो। कैमरा मैन साहब आप भी आ जाए साथ साथ, तो डायरेक्ट ही यहाँ से जो है वो आपकी एक्सेस है किधर की, रूफ टॉप की, ठीक है, और अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम भी बाकी है। कदर सर्वेंट क्वार्टर हमारे पास मौजूद है, आरसीसी वाटर टैंक राइट साइड पे आप लोग देख रहे हैं, अगेन छत से व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये वाटर टैंक जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको, ठीक है, वॉल्स की थिकनेस आप देखें ज़रा, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, 2.5 फिट के करीब पैराफिट वॉल है, पूरी आपको रॉक वॉल नज़र आएगा, अगेन वो प्रॉबेबली मुंटी थी, और ये वाला आपका जो है वो सर्वेंट क्वार्टर है, और इसके साथ ऊपर जो है वो इन्होंने जो मैंने आपको डट का बताया था वो दिया। सो लाइक ऑलवेज हमने कोशिश पूरी मैंने की है कि इस घर का ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू करूं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि किस हद तक कामयाब हुआ हूं। इजाज़त लेते हैं इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। मुझसे मिलने के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे अपना घर .pk गुलबर्ग ऑफिस में मैं अवेलेबल होता हूं। और इसके साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक वीडियो के बारे से लाजमी दीजिएगा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।